खरगोन में मेडिकल व्यवसायी के बेटे के अपहरण मामले में 50 लाख रुपए की फिरौती के लिए अपहरण करने का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें लिप्त आरोपी अकबर पिता अयूब खान को गिरफ्तार किया है। हालांकि आरोपी मेडिकल व्यवसायी के पुत्र आशय महाजन के बचपन का दोस्त है और मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड वकार सहित सोहेल और देवास निवासी मुबस्सिर फरार है। पकड़े गए आरोपी अकबर खान से पूछताछ के बाद पुलिस ने 50 लाख की फिरौती मांगने की योजना का बड़ा खुलासा किया। अपहरण और फिरौती की योजना आशय महाजन के मित्र वकार ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर ही बनाई थी। इसी बीच 16 अगस्त की रात खरगोन में मेडिकल व्यापारी के पुत्र के अपहरण से हड़कंप मच गया था। इस दौरान अपने ही दोस्त का अपहरण कराने वाले मास्टरमाइंड वकार ने आशय के अपहरण के बाद पुलिस को खूब गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन खुद विवेचना कर रहे एसपी धर्मवीर सिंह की पड़ताल को देखकर दोस्त वकार शेख घबरा गया और फरार हो गया, जबकि पुलिस अब अन्य 3 फरार लोगों की तलाश कर रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आपको संज्ञान में है, इसमें मैनगाम थाने में अपहरण का केस रजिस्टर्ड हुआ था। इस घटना के एक प्रमुख आरोपी अकबर को पुलिस ने हिरासत में लेकर अरेस्ट किया है। अभी पुलिस रिमांड में लेके पूछताछ कर रहे हैं। अकबर ने जो बताया है, जो कन्फेस किया है, उसमें ये समझ में आता है कि अकबर और उसका एक साथी सुहेल, बकार और उसका मामा का लड़का मुबस्सिर, जो देवास का रहने वाला है, प्राइमरीली इन 4 लोगों ने मिल के योजना बनाई थी। क्योंकि बकार शेख का जो पीड़ित है, बकार शेख का दोस्त था और उसको ये पूरा आइडिया था कि ये इससे फिरौती की राशि वसूल की जा सकती है। उनका प्लान ये था कि इससे 50 लाख रुपए की फिरौती की रकम की डिमांड करेंगे और ये परिवार की पृष्ठभूमि को देखते हुए ये उनको संभव लग रहा था कि उनको फिरौती की रकम मिल जाएगी। लेकिन जो तत्काल सूचना मिली और पुलिस का जो एक्शन हुआ, उसके कारण इनका जो योजना था वो सफल नहीं हुआ। क्योंकि पुलिस को सारी चीज़ें पता उस समय तक लग चुकी थी और पुलिस की टीमों ने नाकाबंदी की हुई थी, उसमें ये लोग घबरा गए और घबरा के उसको विक्टिम को उन्होंने रिहा कर दिया। अभी जो इनका पूरा प्लान इन्होंने जो बताया है, बेसिकली इसको किडनैप करके इंदौर में रखने की योजना थी। इसमें गाड़ी भी इन्होंने यूज़ की, गाड़ी भी अभी तक बरामद नहीं हुई है। तो ये महत्वपूर्ण आरोपी पकड़ा गया। बाकी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सारी जो फैक्ट फाइंडिंग हुई है, उससे इन 4 की योजना, इसका अपहरण करके इसके बाद रैंसम कॉल करना था और रैंसम वसूल करने के लिए पूरी योजना बनाई थी। सर, ये माना जाए कि मास्टरमाइंड वकार ही था, उसका जो दोस्त है अकबर, जो अभी अरेस्ट हुआ है, ये गाड़ी का ड्राइवर था। अकबर के बारे में जो जानकारी मिली है, पहले भी इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, उसके खिलाफ पहले भी केस दर्ज हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्रिमिनल इसमें है। वकार क्योंकि पीड़ित का दोस्त था और सारी जो प्लान था उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बनाया था, तो 4 ही कहीं ना कहीं अभी भूमिका में हैं। इनके अलावा भी हो सकता है कॉन्स्पिरेसी में या प्लानिंग में भी दूसरा आरोपी रहा हो, तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। अभी इस आरोपी की रिमांड ली है और रिमांड के बाद और इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हो सकता है और लोगों की संलिप्तता भी इस केस में सामने आएगी। कितने दिन की रिमांड मिली सर? अभी न्यायालय से अभी वापसी हो रही होगी तो उससे स्पष्ट होगा। कितनी फिरौती मांगी? 50 लाख रुपये की फिरौती का इनका योजना था, मांगने का तो इनको अवसर मिला नहीं, लेकिन जो इन्होंने रिवील किया इन्वेस्टिगेशन में, वो बताया है कि इन्होंने 50 लाख रुपए के लिए ही योजना बनाई थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।